नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो पे। आज हम बात करेंगे एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एसिटिया कोलाई या ई कोलाई के बारे में। एक बहुत ही कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि कई जगहों पे पाया जाता है। ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि हमारे इंटेस्टाइन में भी देखने को मिलता है, और इसी के बेसिक फीचर्स या बेसिक जो है स्ट्रक्चरल को हम विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे विद 3D एनोटेशंस। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या है और बेसिक फंक्शंस उनके क्या है। तो मैं यहाँ पे जो एक अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे तो आपको मैंने मेंशन किया एक कह सकते हैं कि 3D एनोटेशंस ऑफ ई कोलाई, यू कैन सी दैट। ठीक है, तो ये जो है एक एसिटिया कोलाई का डायग्राम जिसे आप विजुलाइज कर सकते हैं और इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को देख भी सकते हैं। एक एक करके हम देखेंगे और आखिर डिफरेंट डिफरेंट कौन से पार्ट्स है और किस तरीके से जा रहे हैं। वी विल डिस्कस दीज ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स टुगेदर इन दिस लेक्चर। एक लेक्चर एक ओवरव्यू लेक्चर है, तो आप इसको जो है बस विजुलाइज करिए और बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखिए। जो ये फर्स्ट पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट क्या है, इसे ही आप पिलाई कहते हैं। पिलाई होता क्या है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पिलाई आर हेयर लाइक अपेंडेजेस, मतलब हेयर जैसा होता है ना उस तरीके से हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं। इनका काम क्या है, पिलाई जो है वो बेसिक तौर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जिसे आप मेंशन कर सकते हो, हालांकि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलिए या दूसरे तौर पे बोलिए कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि जीन ट्रांसफर किया जाता है। आप उस टेक्निक का नाम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, दैट इज HGT। ये एक जीन ट्रांसफर का टाइप होता है जिसमें आप ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन को शो करते हैं। कॉन्जुगेशन में एक डोनर और एक रिसिपियन के बीच में जो है जीन का ट्रांसफर हो रहा होता है, और उस ट्रांसफर के दौरान कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन आप शो करते हो। और कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन के लिए जिस ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है वो है पिलाई, इसलिए कई बार इसे सेक्स पिलाई के नाम से भी जाना जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट जिसे आप पिलाई के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो पिलाई के बाद आता है कैप्सूल। अब कैप्सूल क्या है, तो अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे देखो ये है कैप्सूल। तो कैप्सूल जो होते हैं वो ज्यादातर पॉलीसेक्राइड्स के बने होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स बोल सकते हो, या कभी कभी ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स का मतलब क्या है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है एज वेल एज प्रोटीन्स भी है। अब इनका फंक्शन क्या है, वाई कैप्सूल्स आर देयर। सो सम प्रोटीन्स या सम प्रोटीन्स जो है कार्बोहाइड्रेट से जुड़ के जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स बना रहे और उससे जो है कैप्सूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैप्सुलेटेड भी होते हैं और कुछ कैप्सुलेटेड नहीं भी होते, और कई सारे ऐसे स्ट्रेन्स होते हैं जैसे साल्मोनेला टाइफाई में अगर आपने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट देखा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट देखा होगा, तो उसमें आर और एस स्ट्रेन जैसे नामक चीजों को सुना होगा। तो उसमें आर स्ट्रेन जैसे रफ स्ट्रेन की बात की जाती है और एस स्ट्रेन जैसे स्मूथ स्ट्रेन की बात की जाती है। तो अब इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कि ये रफ और स्मूथ किसके बेसिस पे था, ये बेसिस पे था आपके कैप्सूल्स के बेसिस पे। तो ये कैप्सूल का काम क्या है, कैप्सूल जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्शन किससे, हार्श इन्वायरमेंट से। प्रोटेक्शन किससे, जो वायरसेस या जो बहुत सारी इन्वायरमेंट में चीजें हो रही है या कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले कर रहे हैं। साथ ही ये कैप्सूल इस पर्टिकुलर कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेनिसिटी भी प्रोवाइड करता है। मतलब कई बार अगर आप साल्मोनेला टाइफाई को देखें तो साल्मोनेला टाइफाई का जो कैप्सूल होता है, वो कैप्सूल अगर प्रेजेंट होता है तो ऐसे स्ट्रेन को आप स्मूथ स्ट्रेन को कहते हैं, और कैप्सूल जो है एबसेंट होता है तो ऐसे स्ट्रेन को आप क्या बोलते हैं, रफ स्ट्रेन। इसके पीछे रीजन आप ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो ये तो इसमें जब आप ऑब्जर्व करते हो तो यू कैन सी दैट कि ये देखो कितना स्मूथ है। ठीक है, तो आप इस चीज को स्मूथ के तौर पर देखो, कैप्सूल की वजह से कितना स्मूथनेस आपको देखने को मिलेगा। सो दिस बेसिक कह सकते हैं कि कैप्सूल का जो फंक्शन है वो रफ और स्मूथ, तो उसी बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। साथ में प्रोडक्शन एज वेल एज पैथोजेनिसिटी जो प्रोवाइड होती है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसमें कैप्सूल एक बड़ा रोल प्ले करता है। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्शन की अगर बात करें तो कैप्सूल के बाद आता है सेल वॉल, और सेल वॉल डिफाइन करता है दो तरीके के बैक्टीरिया को। अगर सेल वॉल बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन के थिक लेयर से, तो वैसा बैक्टीरिया जिसमें लिपिड बाई लेयर तो होगा ही होगा, साथ में अगर सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन रिच होता है तो आप बोलते हो कि वो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, बीच में थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होता है, और एक इनर मेम्ब्रेन होता है, तो आप क्या मेंशन करते हो कि वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन का जो थिकनेस है वो ज्यादा है या कम है। जैसे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो यहाँ पे, अगर आप ऑब्जर्व करिए तो हियर यू विल फाइंड दैट कि आपको देखने को मिलेगा, देखो कितना थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से आप मेंशन करोगे कि ये जो है एक थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर अगर होगा तो ग्राम पॉजिटिव हो, और अगर पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर थिन हो और उसमें अपर लेयर पे भी एक आउटर मेम्ब्रेन हो, और नीचे जिसको अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, इट शुड बी लाइक दिस, अपर आउटर मेम्ब्रेन
ठीक है, बीच में एक थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर और फिर उसके बाद एक इनर मेम्ब्रेन। अगर ये हो तो आप कहोगे कि ये जो है आपका एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, और शिग्रिचिया कोलाई कैसा होता है, ग्राम निगेटिव, मतलब इसके ऊपर एक आउटर मेम्ब्रेन होगा, बीच में थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है और उसके बाद एक इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर है, तो आप इसे शो कर रहे हो कि ये जो है वो एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो थर्ड पार्ट देखने के बाद अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट के लिए, ऑब्जर्व करें। तो ये आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, देखिए पहला पार्ट आपने पहले तिलाई देखा, दूसरा कैप्सूल देखा, तीसरा सेल वॉल देखा, द फोर्थ पार्ट इज योर सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन तो होता ही होता है, सेल वॉल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे एनिमल सेल की बात करें उसमें सेल वॉल नहीं होता, लेकिन प्लांट और प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए जो है सेल मेम्ब्रेन एक यूनिवर्सल कवरिंग कह सकते हैं सेल की, और ये तो प्रेजेंट ही होता है, और ये लिपिड बाय लेयर का बना होता है, यूनिट मेम्ब्रेन बाय फ्लूइड मोजेक मॉडल, बहुत सारे मॉडल्स आप इसमें पढ़ते हैं, और फ्लूइड मोजेक मॉडल कहते हैं कि सबसे कॉमन मॉडल। ये लिपिड बाय लेयर का बना होता है जिसमें कि प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, कुछ इंट्रेंसिक प्रोटीन्स भी होंगे और कुछ एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स भी होंगे, कुछ जो है वो साइटोस्केलेटन से लिंक्ड होंगे, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से भी लिंक्ड। कार्बोहाइड्रेट्स भी यहाँ पाए जा सकते हैं, और ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट जो होंगे वो सेल के आउटर साइड पे ही होते हैं, और जैसा मैंने बताया कैप्सूल भी उसी तरीके का एक कवरिंग है, एक कार्बोहाइड्रेट का लेयर है जो कि आप विजुलाइज कर पाते। तो ये रहा पार्ट आपके फोर्थ पार्ट जिसे आप मेंशन करते हैं लिपिड मेम्ब्रेन के तौर पे। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन के बाद एक और पार्ट आता है जिसे आप मेंशन करते हैं साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म को आप ऑब्जर्व करो तो ये एक जेल लाइक जेली लाइक स्ट्रक्चर है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, जेली लाइक स्ट्रक्चर क्यों है यहाँ पे? इस जेल के अंदर ही जो है जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं वो सभी होल्ड होते हैं, क्योंकि अगर ऑर्गेनेलीज नहीं हो या सेल साइटोप्लाज्म ना हो तो ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रॉपरली होल्ड नहीं हो पाएंगे। और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि साइटोप्लाज्म जो है वो जेल लाइक एपरेटस है, और इस जेल लाइक एपरेटस में जो है आप देख पा रहे हो कि कई सारे ऑर्गेनेलीज, इवन आप राइबोसोम्स, प्लाज्मिड, सर्कुलर क्रोमोजोम्स, बहुत सारी चीजें जो है वो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। तो साइटोप्लाज्म एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइटोप्लाज्म में ही एक इंटरेस्टिंग जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसे आप सर्कुलर डीएनए या क्रोमोजोमल डीएनए सो करते हो। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इशरिकिया कोलाई में जो क्रोमोजोम होता है वो सिर्फ एक होता है, और वो भी सर्कुलर क्रोमोजोम होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। तो अगर आप मेंशन करते हो कि सर्कुलर डीएनए या जीनोम की जब बात करते हो तो ये जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये प्रॉपर सुपर कॉइल्ड मैनर पे है, वो ऐसे जनरली नहीं होता, ये आपके सुपर कॉइल्ड मैनर में इस तरीके से जो है सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो कुछ इस तरीके के एक क्रोमोजोमल मटेरियल जो है आप शो करते हो। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि सर्कुलर क्रोमोजोमल मटेरियल या सिंगल कह सकते हैं डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए एज अ क्रोमोजोम पाया जाता है इशरिकिया कोलाई में, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी क्रोमोजोमल डीएनए आप बोल सकते हैं, लेकिन वो क्रोमोजोमल पार्ट नहीं होते, उनमें जो है क्रोमोजोम के अलावा भी कुछ ऐसे डीएनए प्रेजेंट होते हैं जिसको आप एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए के तौर पे शो करते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए जिसे आप मेंशन करते हो वो है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है, प्लाज्मिड को भी ऑब्जर्व करोगे तो ये देखो ये प्लाज्मिड को मैं शो करूँ, ये भी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा है, तो ये आपके पास डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर ये भी होता है, और प्लाज्मिड का नंबर जो है वो एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर इसका नंबर जो है वो एक होता है तो आप इसे लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड के तौर पर शो करते हो, 1 से 10 या 1 है, और अगर 1 से ज्यादा है या ज्यादा अमाउंट में, जैसे आप हाई कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड भी मेंशन करते हो, तो प्लाज्मिड का जो नंबर होता है वो आपके 1 भी हो सकते हैं किसी एक सेल में, और 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे इस सेल में आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। तो इन दिस सेल अगर आप देखो तो प्लाज्मिड को मैंने 2 शो किया, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही प्लाज्मिड हो सकते हैं, 1 से ज्यादा भी प्लाज्मिड हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड कैरी करता है या हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड जो है कैरी करता है। इसके बाद इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है दैट योर राइबोसोम जो पाया जाता है प्रोकैरियोट में, जैसा मैंने आपको मेंशन किया राइबोसोम के बारे, तो राइबोसोम सर्कुलर डीएनए के बाद राइबोसोम्स आते हैं, और राइबोसोम्स यहाँ पे 70S राइबोसोम पाया जाता है। इफ यू रिमेंबर, इफ यू नो दैट 70S, 70S राइबोसोम का मतलब एक लार्जर सब यूनिट होगा, लार्जर सब यूनिट बना होता है 50S का, और स्मॉलर सब यूनिट बना होता है 30S का, और ये दोनों मिलके जो है 70S राइबोसोम बनाते हैं। और राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। प्रोटीन सिंथेसिस, जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं प्रोकैरियोट्स में, उसको कौन सिंथेसाइज करवाएगा, वो है राइबोसोम्स, राइट। तो राइबोसोम्स ज्यादातर 70S पाए जाते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम ही करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग द, कह सकते हैं कि मेटाबोलिज्म, ड्यूरिंग मल्टीपल प्रोसेसेस, उसको सिंथेसाइज करने वाला है राइबोसोम्स। तो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है आपका क्रोमोजोमल डीएनए, उस इन्फॉर्मेशन से आरएनए बनता है, और आरएनए से प्रोटीन बनाने वाला है राइबोसोम्स। कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल्स भी होते हैं, और उन एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल्स को आप प्लाज्मिड के तौर पे भी जानते हैं।
इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस को आप शो करते हो, जैसे कि फ्लैजेला। फ्लैजेला जो है ये आपके किसी एक एंड पे भी प्रेजेंट हो सकता है, ये पूरे के पूरे जो है सरफेस पे प्रेजेंट हो सकता है। जैसे अगर आप इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखो तो ये सिर्फ एक एंड पे है और ये पूरे के पूरे सरफेस पे नहीं। तो इसी फ्लैजेला के बेसिस पे कई तरीके के क्लासिफिकेशंस भी होते हैं जिसको आप डिटेल में पढ़ते हो। जैसे लोफोट्राइकस का नाम सुना होगा, पेरिट्राइकस का नाम सुना होगा, मोनोट्राइकस का नाम सुना होगा। तो अगर सिर्फ एक एंड पे है तो आप ऐसे को मेंशन करते हो कि वो जो है आपके मोनोट्राइकस है, मतलब एक ही एंड पे है। तो आप यहाँ पे फ्लैजेला को देखो, ये एक थ्रेड लाइक एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये हेयर लाइक नहीं है, हेयर बहुत छोटा है। आप पिलाई और फ्लैजेला को देखो तो पिलाई जो है शॉर्टर होता है, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, विजुलाइज कर पा रहे हो इस डायग्राम में। तो इफ यू कैन सी दैट पिलाई आपके पास कैसे, पिलाई आपके पास छोटे, लेकिन फ्लैजेला की जब बात करते हो तो फ्लैजेला काफी लॉन्ग होते हैं। और ये फ्लैजेला टम्बलिंग मूवमेंट करके या सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होके किसी भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया को कीमोटैक्सिस मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। व्हाट इज कीमोटैक्सिस? किसी भी केमिकल स्टिमुलेंट या किसी भी केमिकल सिग्नल की तरफ मूव करना कीमोटैक्सिस मूवमेंट कहलाता है। तो इसलिए जो है ये फ्लैजेला आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये फ्लैजेला जो है वो सिर्फ एक तरफ है। तो इसे आप मेंशन करते हो दैट इज योर मोनोट्राइकस। और अगर ये दोनों तरफ हो जाता है तो आप इसे एम्फीट्राइकस, बोथ, एम्फी का मतलब होता है वो नाम भी दे सकते हो। अगर ये चारों तरफ हो सरफेस पे तो आप इसे बेसिक तौर पे पेरिट्राइकस भी बोलते हो। ठीक, तो लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, मोनोट्राइकस कुछ इस तरीके से टर्म्स आप शो करते हो। तो ये कुछ बेसिक पार्ट रहे जिसको कि आप मेंशन करते हो दैट इज योर बैक्टीरिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। तो एक बार मैं क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। एसिरिसिया कोलाई के डिफरेंट पार्ट्स को हमने डिस्कस किया, पिलाई फॉर द कॉन्जुगेशन, उसके बाद हमने डिस्कस किया कैप्सूल फॉर द प्रोटेक्शन एंड पैथोजेनिसिटी, सेल वॉल ये बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकोन और लिपिड बाई लेयर या लिपोपॉलीसेक्राइड्स का। अगर आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच में पेप्टाइडोग्लाइकन है तो ग्राम नेगेटिव, और पेप्टाइडोग्लाइकोन और इनर मेम्ब्रेन है तो ग्राम पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल लिपिड बाई लेयर और फ्लूइड मोजेक मॉडल, साइटोप्लाज्म जेल लाइक स्ट्रक्चर होल्ड्स द वेरियस ऑर्गेनेलीज, एंड इसके बाद होता है आपके क्रोमोजोमल डीएनए जो कि सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। एंड इसके बाद राइबोसोम्स, दैट 70S राइबोसोम्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल दैट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है कई ऐसे जीन्स को कैरी करता है जो कि कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, जो कि पैथोजेनिसिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं, और कई बार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो जीन होते हैं वो आपके प्लाज्मिड में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा नाइन्थ ऑर्गेनलीज जो हमने या नाइन्थ पार्ट पढ़ा था वो है फ्लैजेला, जो कि मूवमेंट कराने में जो है हेल्प करता है। तो ये रहे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जिसको कि आप विजुलाइज कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ब्यूटीफुली कि ये है रहा हमारा एसिरिसिया कोलाई। ठीक है, सो होपफुली कि दिस लेक्चर विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड विजुलाइज इन द थ्री डायमेंशनल वे। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगले वीडियो का इंतजार कर रहे हैं तो भी बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।